Hello, friends, welcome to our channel Code Library. This is Salish. And if you are not subscribed to our channel, please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So, without wasting any time, let's start our video. So, in today's video, we are going to talk about the question Edit Distance. This is a very important question, okay, as it is written here okay so first of all i will explain you the question so question is that given a two string s and t find a minimum number of operations that need to be performed on str1 means string 1 to convert it to string 2 it means that we have to convert string 1 to string 2 and we have given the three possible operations. in first operation we can insert a character in between the string in, st in string 1 okay we can remove a character from string 1 or we can replace any character with another character in string 1 Okay, this is the question we can, we have to do. Okay, this is the dynamic programming approach we have we will do here. Okay, so here given uh, example geek and G E S E K geek, G S E K. Okay, so we have to convert geek to this word. Okay, so what we will do here, we can see that K is same, G E is same, only S is missing here. Okay, so what we will do? We'll simply insert S here. I will show you here. I will simply insert in the cursor where the cursor is pointing. We will simply insert s here. Then G, then the uh, string one will simply equal to string two. Okay, this is the so here answer is one. इसलिए यहाँ पर answer one आया हुआ हम लोग का, ठीक है? ये हमें करना है यहाँ पर, ठीक है? कैसे करेंगे? चलिए बताता हूँ मैं आपको. तो हम लोग यहाँ पर two D D P ले लेंगे पहले. ठीक है उसमें लेंगे एम और एन साइज के डी लेंगे एम हो गया हमारा स्ट्रिंग वन का लेंथ और एन हो गया हम लोग का स्ट्रिंग टू का लेंथ ओके तो यहाँ पहले मैंने एम में लेंथ निकाला एन में लेंथ निकाला और सिंपली फंक्शन ने पास कर दिया हम लोग यहाँ टॉप डाउन अप्रोच करेंगे डी का इसलिए अधिकर्षन में मैं भेज दे रहा हूँ तो यहाँ मैंने क्या क्या भेजा एक स्ट्रिंग भेजा सिंपली एक भेजूँगा टी दूसरा स्ट्रिंग ठीक है एम माइनस वन और एन माइनस वन लेंथ भेज दिया जीरो बेस इंडेक्सिंग करने के लिए इसका हमारा ये कोड है अब मैं कोड के साथ समझाता हूँ क्या हो रहा है ठीक है तो पहला केस हम लोग का एम अभी कहाँ पर है ये लास्ट पॉइंट पे है के में और ये वाला इधर है एन लास्ट पॉइंट पर इसके पे है ठीक है हमारा बेस केस ये है अगर हमारा एम माइनस वन हो जाता है तो रिटर्न करेंगे एन प्लस वन अगर बेस केस में हमारा एन अगर माइनस वन हो जाता है एन तो रिटर्न करेंगे एम प्लस वन ये कैसे और मैं बताता हूँ मान लीजिए आपका एम माइनस वन है मतलब क्या हुआ आपका एम यहाँ खत्म हो चुका है ठीक है इस पॉइंट पे कहीं है ये जी के पहले है और हमारा एन उस समय लास्ट पॉइंट नहीं पहुंचा है वो मान लीजिए कहीं एस एस में है मान लीजिए इस पॉइंट पे है एस को पॉइंट किया हुआ है ठीक है वो इस, इसको पॉइंट किया हुआ है तो हमारा एन का वैल्यू क्या होगा जीरो वन टू होगा उस समय ठीक है तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग ये तीन ये तीन कैरेक्टर मतलब इसके सामने मिसिंग है हम लोग का तो सिंपली हम लोग को वहां पर ये ऑपरेशन करना होगा इंसर्ट वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा सिंपली तो वहां तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ऊपर स्ट्रिंग खत्म हो चुका है चेक करते करते तो सामने का तीन करेक्ट करेक्टर्स वहाँ लगा देंगे तो इसमें कितना ऑपरेशन लगेगा तीन ऑपरेशन बट अपना एन गया है यहाँ पर जीरो वन टू है तो टू नी थ्री ना होगा आंसर तो जीरो बेस इंडेक्सिंग था. इसलिए एन प्लस वन डन किया वहाँ हम लोग इसलिए यहाँ पर एन प्लस वन डन किए उसी तरह से अगर हमारा एन माइनस वन पहुँच गया है इसका मतलब हमारा एन यहाँ तक पहुँच गया है और यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर कोई ऐसा होता आ, कुछ भी रहता ऐसे, ऐसे ऐसे कुछ भी हमारा एन यहाँ तक पहुँच गया है यहाँ पर और एन हमारा इधर पर है ठीक है तो मतलब हम लोग का चेक होते होते सब कुछ सही हो गया है ठीक है सेम हो गया है बट यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स फालतू का है ये वाला तो हमें सिंपली यहाँ रिमूव कर देना है तो रिमूव वाला ऑपरेशन करना होगा तो उसके लिए कितना होगा एम प्लस वन को हम लोग को रिमूव करना है क्योंकि जीरो पे इंडेक्सिंग था तो प्लस वन कर रहे हैं हम लोग तो सिंपली वो हम लोग का एड आंसर में ऐड हो जाएगा तो सिंपली वो रिटर्न कर देंगे ठीक है ये बेस केस था हमारा और ये है सब प्रॉब्लम्स के लिए अगर मेरा डी पी एफ एम एन ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या मैंने पहले माइनस वन करके रखा हूँ अगर वो उसका आंसर पहले से निकला हुआ है तो वहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा अगर वो इक्वल टू माइनस वन मतलब उसका आंसर पहले से निकला हुआ है तो सिंपली डी पी ऑफ एम एन कर देंगे ठीक है और यहाँ पर अगर हमारा एस ऑफ एम अगर बराबर होता है टी ऑफ एन से तो बराबर हो जाता है हमारा तो सिंपली डी पी ऑफ एम एन हमारा हो जाएगा तो रिकर्सन में क्या भेजेंगे एस तो रहेगा ही बस एम को ही घटा देंगे एन को ही घटा देंगे देखिए मैं ये कहाँ पर हो रहा है देखिए मान लीजिए आपका एम यहाँ पर है स्टार्टिंग में तो यहीं पर ही था एन यहाँ पर है ठीक है ये लास्ट लास्ट पॉइंट पे है तो क्या देखा मैंने दोनों स्ट्रिंग का वो दोनों कैरेक्टर्स बराबर है तो बराबर है तो वहाँ कोई ऑपरेशन ही नहीं लगेगा दोनों सेम हो गया है सिंपली एक एक पीछे चले जाएंगे तो एम को हम लोग पीछे भेज देंगे एन को पीछे भेज देंगे तो इसलिए जब रिकर्शन कॉल किया मैंने यहाँ पर दोनों को एक एक पीछे भेज दिया और वो मैंने डी ऑफ एम एम में स्टोर कर दूंगा उसका आंसर ठीक है अब देखिए अब हमारा मान लीजिए अगर ये बराबर नहीं होता है मान लीजिए आपका यहां पर एन हो गया एस में और एम हो गया मान लीजिए यहां ई e पे आ गया ठीक है तो तो एस और ई e, दोनों तो बराबर नहीं है हम लोग का तो वहां क्या करेंगे तो वहां हम लोग तीन ऑपरेशन कर सकते हैं पहला कोई इंसर्ट कर सकते हैं जो हम लोग का मिसिंग है रिमूव कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं अब देखिए वो कैसे हो रहा है तो हम लोग क्या बोले यहां पर हमारा एन पॉइंट कर रहा है एस में और यहां पर एम पॉइंट कर रहा है ई में ठीक है तो हमारा देखिए पीछे से ई और के सेम सेम आ गया था तो हम लोग सिंपली पीछे चले गए थे हैं। अब हमारा एस और ई e अलग अलग है एस और ई e अलग अलग है ठीक है तो हम लोग पहला ऑपरेशन कर सकते हैं क्या कि एस को सिंपली यहां पर ई e में डायरेक्टली वो कर दे रिप्लेस कर देते हैं ठीक है तो अगर रिप्लेस कर देंगे तो ये ई e बन जाएगा हमारा एस ठीक है अब दोनों बराबर है तो सिंपली दोनों को हां पीछे भेज देंगे तो इसलिए पहला जो ऑपरेशन किया ना ये रिप्लेस वाला हुआ है ठीक है यहाँ लिख देता हूँ मैं रिप्लेस ठीक है ये रिप्लेस के लिए था तो उस समय एम मेरा चला जाएगा पीछे जी की तरफ और एन चला जाएगा यहाँ ई e के तरफ तो ये पहला ऑपरेशन हो सकता था दूसरा ऑपरेशन क्या हो सकता है हम लोग का कि हम लोग एन को घटा देंगे तो एन कब घटाएंगे मैं बता रहा हूँ मान लीजिए आप यहाँ पर एस को इंसर्ट कर दिए मान लीजिए एस यहाँ पर था ना ये आई एन था ये एम था तो एस मिसिंग है यहाँ पर एस व एस वहां होना चाहिए था ना तो सिंपली मैंने यहाँ पर एस क्या किया इंसर्ट कर दिया तो मतलब एस करेक्टर इंसर्ट हुआ है वहाँ पर ठीक है अब देख दो, 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 दो हम होल का बराबर हो चुका है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे एन को घटा देंगे और एम हमारा वही पर ही रहेगा क्योंकि हम लोग एस वहाँ ढुका दिए हैं तो वो सेम हो चुका है अब ई को आगे चेक करना है ना तो जहाँ पर एम है वो हम, हमारा एम वहीं पर रहेगा और एन को ही घटा देंगे तो एन अपना यहाँ पर आ जाएगा उस केस में तो सिंपली दूसरा केस में क्या हुआ एन को घटा दिए तो ये वाला कौन सा केस हुआ ये हुआ इंसर्ट का ठीक है अब इसको अब तीसरा केस क्या है हमारा तीसरा केस क्या था हमारा तीसरा केस क्या था हमारा रिमूव करना है अगर हम रिमूव करें ठीक है तो आप मान लीजिए यहां पर कोई एक्स्ट्रा रहता एच एक रहता मान लीजिए मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं मान लीजिए अब यहां एच रहता और यहां पर एस आया हुआ है ठीक है तो हमारा क्या हम क्या कर सकते हैं यहां पर इसको रिमूव कर देते हैं सिंपली और आगे चेकिंग करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रिमूव करने के लिए सिंपली एच को रिमूव करना है ना तो सिंपली एम को यहाँ बढ़ा देंगे तो मान लीजिए आपको ये रिमूव हो गया मान लीजिए आपको ये रिमूव हो गया और एम को हम लोग यहाँ आगे बढ़ा दिए ठीक है मतलब पीछे बढ़ा दिए और S वही एस वहीं पर होगी ऐसे तक चेक नहीं किया हुआ मैं ऐसे अभी तक तो ये हुआ वहां से मैं रिमूव कर दिया एक करेक्टर को तो सिम्पली एम पीछे चला गया हमारा क्योंकि यहाँ पर पहले एच था ना तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो एच को सिम्पली हटा दिया मैंने यहाँ पर और एस एस वहीं पर रहेगा तो एन वहीं पर रहेगा हम लोग का वहाँ पर सिंपली यहां पर सेम किया बस फंक्शन में एम को माइनस किया हूं और एस नहीं किया हूं एन वहीं पर है एन माइनस नहीं किया हूं ये हो गया आपका रिमूव का हो गया ठीक है हमारा तीन चीजें हो गया पहला ये हो गया जब मैं अगर रिप्लेस कर रहा हूं तो सेम करेक्टर वहाँ डाल दे रहा हूं तो दोनों को शिफ्ट किया पीछे तो मैंने फंक्शन में भेजा एस टी एम माइनस वन और एन माइनस वन दूसरा मैंने वहाँ इंसर्ट किया जब इंसर्ट किया तो सिंपली एन माइनस किया वहां पर तो इंसर्ट हो गया है ना वो चेकिंग हो गया हमारे साथ और एम अपना जगह पर है हमारा सिंपली एन को घटा दिया तो वो लगाम हो गया ये बी में स्टोर किया और सी में अपना सिंपल रिमूव कर दिया तो वहां घटाना पड़ेगा एम में हम लोग को अब सिंपल क्या करना है ये तीनों अपना अलग अलग, अलग देखिए रिकर्शन में गया है देखिए मैंने यार रिकर्शन कॉल गई फंक्शन ऊपर गया है ठीक है तो हम लोग ये तीन रिकर्सन में भेजे हैं पहला रिमूव करके सॉरी रिप्लेस करके दूसरा इंसर्ट करके और तीसरा रिमूव करके अब हम लोग क्वेश्चन में क्या था हम लोग क्वेश्चन में था कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालना है ठीक है तो मिनिमम नंबर के लिए हमारे तीन रिकर्सन में जो मिनिमम आंसर रिटर्न करेगा वो चाहिए हमें तो सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे मिनिमम ऑफ ए कमर मिनिमम बी कमा सी जो तीनों में मिनिमम आया है वो अब प्लस वन क्यू कर रहे हैं क्योंकि ये करने में हमें एक ऑपरेशन लग रहा है

अब अगर बराबर नहीं दुख तो वो मैंने तीन केस किया है ठीक है तो सिंपली देखिए पहला केस क्या था हम लोग एन को घटाए थे तो थ्री और थ्री है तो थ्री टू हो गया वो वाला यहाँ पर ठीक थ्री थ्री है दूसरा मैं एम को घटाया था तो टू थ्री हो गया हमारा तीसरा क्या था दोनों को घटा दिया था जो रिप्लेस किया था तो टू टू हो गया ठीक अब इसमें तीन केस होगा हम लोग का जब ये सब प्रॉब्लम्स आया हम लोग का जब रिकर्सन ने भेजा नेक्स्ट मेरा ठीक तो थ्री टू में क्या होगा तीन केस होगा वही सेम थ्री वन हो जाएगा एन घटा के टू टू हो जाएगा एम घटा के और टू वन हो जाएगा दोनों ठीक है उसी तरह इसका भी तीन होगा हो ठीक है, तो है सिंपली हम लोग यहाँ सब प्रॉब्लम से यह यहां से आगे निकाला होगा आंसर फिर यहां से बैक गया अब फिर इस रिकर्शन में गया फिर आगे जो भी आंसर आया होगा पीछे जाके फिर इस रिकर्शन में गया अब हम लोग वहां देखिए जो आंसर था ना हमारा वो हम देखिए यहाँ डी पी एम एम में स्टोर कर दे रहे थे मतलब वो एम और वो एन जो पोजीशन पे आया हुआ है ना उसका आंसर मेरा इस डी पे स्टोर है एरे पे ठीक है टू -डी, टू -डी में तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं टू वन का स्टोर है, है थ्री वन का स्टोर है अब देखिए जब हम लोग यहाँ पर आएंगे ये रिकॉर्शन बड़ा वाला जो मेन था स्टार्टिंग से रिकर्शन भेजा था उसका जब थर्ड वाला रिकर्शन में गया ना देखिए वहाँ मुझे एम एन सेम मिल गया उसी वही टू टू मिला और हम लोग वो टू टू का आंसर ऑलरेडी निकाल कर रखे देखिए उस टू टू के आगे तक मिनिमम जो आंसर वो है वहां स्टोर है ऑलरेडी तो मेरे को वहां मिल चुका है तो लोग फिर क्यों उसके नीचे जाएंगे निकालने के लिए कि हम लोग को मिल चुका है तो उसका आंसर तो मैंने स्टोर कर लिया था तो यही अपना सब प्रॉब्लम्स है कि इसका आंसर पहले मेरे को मिल चुका था वो मैंने निकाल लिया तो दो बार तीन बार क्यों निकालेंगे जब वो बार बार आएगा क्वेश्चन में देखिए ये टू टू यहां भी आएगा यहां भी आएगा टू टू ठीक है तो हम लोग तीन बार क्यों निकालेंगे तो एक बार निकाल दिए हैं तो और उसका आंसर मैंने स्टोर करके रखा हूँ इसलिए सिंपली यहाँ पर चेक किया मैंने कि डी बी एम 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 एन नॉट इल टू माइनस मतलब इसमें आंसर स्टोर है वो एम एन के लिए तो सिंपली वो रिटर्न कर दूंगा मैं वहाँ से तो सिंपली वो देखा मैंने टू टू है तो सिंपली वो टू रिटर्न कर दिया देखिए और सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएगा सी ए टू वन है तो टू वन देखिए यहाँ टू वन आ रहा है मैंने इसको सब मिटा देता हूँ सी ए टू वन है कलर चेंज कर लेता हूँ ये टू वन है देखिये यहां पर टू वन आ रहा है सब प्रॉब्लम्स मिल जा रहा है हमारा फिर जैसे ये टू टू तो देखा आपने यहाँ टू टू मिला यहाँ टू टू मिला यहाँ टू टू मिला फिर देखिए यहाँ वन कॉमर टू है तो वन कॉमर टू यहां मिल रहा है हमें तो हम लोग जब तो यहां निकाल दिए हैं आंसर फिर यहाँ क्यों निकालने जाएंगे जब तो ये निकला हुआ है आंसर तो उसी को यहाँ यूज करेंगे हम लोग क्योंकि ये मिनिमम निकाल कर रखा हुआ है हम लोग का आंसर वहां पर ठीक है तो ये है सब प्रॉब्लम्स का गेम है यहाँ पर इससे हम लोग का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो इसमें हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा मतलब टेली नहीं खाएगा हमारा ज्यादा आंसर टू टू दर एन नहीं जाएगा हम लोग का यहाँ पर ठीक है सिंपली एम क्रॉस एन में निकल जाएगा हम लोग का तो यहाँ का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बता देता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारा ओ ऑफ एन स्क्वायर ये कि हमारा एम इन एन टाइम्स चल रही है वाला हम लोग का परिगर्शन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है हमारा ओ ऑफ एन स्क्वायर N मतलब बोल बोल सकते हैं ऊपर भी M into N बोल देंगे हम लोग ये दोनों का length तो अलग अलग यहाँ पर डीपी का बनाया है ठीक है या मैं कर देता हूँ डी पी ऑफ एम एन ठीक है फिर वो सेट करके माइनस वन कर दिया था और ये लेंथ निकाल के रिटर्न पास कर दिया था ठीक है ये था कहानी हमारा और टाइम हो गया एम एन का क्योंकि हमारे देखिए वर्ष केस में क्या होगा हमारा एक बार ये आगे जाएगा एक बार ये आगे जाएगा एक बार एम पीछे गया फिर एक बार एन पीछे गया इस तरह जाएगा वर्ष केस में तो वो हम लोग का एम एन टू एन हो जाएगा टाइम ठीक है तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर कैसे आएगा ना जो तो ये हम लोग का वहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है गीक्स फॉर गीक्स में ये वाला का यहाँ वन कैसे आ रहा है बताता दो मैं आपको वन कैसे आ रहा है देखिए फर्स्ट टाइम के हमारा सेम है सिंपली दोनों पीछे चले गए हम लोग ई सेम है सिंपली पीछे चले गए अब देखिए ये एस ई दोनों अलग अलग है तो हम लोग सिंपली यहाँ ये वाले में गए हैं इंसर्ट वाले में गए हैं ठीक है तो मान लीजिए आप यहां पर एस आपने इंसर्ट कर दिया सिंपली एस e को हम लोग घटा देंगे सॉरी को घटा देंगे वहां पर ठीक है अब e को घटाएं और वहां पर ये ये वाला ई ये वाला ई सेम हो जाएगा फिर ये वाला जी ई वाला जी सेम हो जाएगा बराबर हो गया आंसर में सिंपली हम लोग का वन रिटर्न होगा पीछे से तो आप वन आ गया आंसर वहां पर बस यही था यहाँ पर चलिए तो आपको मैं ये सबमिट करके दिखा देता हूँ ये कोड गिक्स में ये मैंने किया हुआ था तो ये बहुत सिंपल सोल्यूशन है सिंपल डाइनिव ड्राइविंग का क्वेश्चन था देखिए यहाँ लोग का सही हो गया क्वेश्चन ये वाला ठीक है इसकी टाइम कन्वर्सिटी एम इन टू एन है और स्पेस हमारी वही एम इन टू एन है सेम ओके तो बन रही हमारे साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जल्द ही जल्दी, ओके तो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ तो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय